ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक मैट्रिक्स में आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, अपर या लोअर डायगनल के ऊपर या नीचे, तो ऊपर के सारे नंबर्स होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नीचे के जीरो होंगे, या नीचे सारे मेंबर होंगे ऊपर सारे जीरो होंगे। अब इसको मैं बना के दिखाता हूं। एक जितने भी डायगनल के यहां सब चीजें होंगी डायगनल से रिलेटेड। ओके, तो यहां पर अगर एक मैट्रिक्स बनाऊ मैं आपको, जैसे 5, 9, 2, 3, 8 और ये 4, ठीक है जी, ये बनाया मैंने 0, 0 और 0, तो ये डायगनल है। इसके ऊपर सारे इस डायगनल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये अपर ट्रायंगुलर, इसलिए कह रहे हैं इसको, इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारे नंबर्स हैं और जो लोअर ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसमें सारे जीरोस हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगल। इसी को अगर उलट दिया जाए, इसी को हम उलट देंगे, जैसे हमने कहा 5, 6, 3, 9, 2, 8 या 0, 0, 0, ये नहीं आया, यहां 0, ये 0, 0, ठीक है। अब आप देखिए डायगनल पे चलना है, ये डायगनल हो गया, इसको हम ट्रायंगल बना देते हैं। तो जो लोअर ट्रायंगल है उसमें वैल्यूज है, लेकिन जो अपर ट्रायंगल है ये वाला, इसमें वैल्यू 0 है, तो इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे वाले सारे नंबर्स हैं, बाकी ऊपर वाले 0 है।